हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक मंदिर में घूमने के लिए, तो फिलहाल हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये हाईवे जो है वो उन्ना से बंगाणा की तरफ जाता है, तो हमें यहाँ से टर्न लेना है क्योंकि हमारा जो सफ़र है यहाँ से कट हो जाता है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। फिलहाल ये जो सफ़र है हम बाइक पे तय कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी तो नहीं है। फिलहाल 50 प्लस सफ़र है जो हमारा, तो इतना तो हम कवर कर ही लेते हैं। तो फिलहाल इसके साथ बढ़ते हैं हम अब आगे की तरफ। वो कहते हैं कि मौसम सुहाना हो तो घूमने का नज़ारा कुछ अलग ही रहता है, तो इसी के साथ जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना है। तो फिलहाल हमारा जो सफ़र है अब थोड़ा ही बचा हुआ है, हम पहुंचने ही वाले हैं। तो हम मंदिर के पास है वो पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पहले ही कुछ लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे, हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मंदिर में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे कोई भी कुछ खास नहीं था, बस मंदिर के पुजारी वगैरह और अन्य जो सेवादार थे वही थे। तो इसी के साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक पत्थर पे नाम एड्रेस पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, जिस जिसने यहाँ पे दान किया है उनके नाम वगैरह पता लिखे हुए हैं, आप टोटल देख सकते हैं सभी जगह पे। तो चलिए हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं मंदिर के। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियों पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जो भी संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है उन सब पे किसी ना किसी के नाम एड्रेस पता कुछ ना कुछ लिख रखे हैं। तो ये है मंदिर, आप देख सकते हैं। मंदिर में एक छोटी सी बोड़ी है जिसमें काफ़ी सारे कॉइन पड़े हुए हैं जो लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पे डाले हुए हैं पानी में, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इन पेंसिल से लगता है एक अच्छा आईफोन तो मिल ही जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेकिन ये तो हम वैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी कॉइन डाले हुए हैं पानी में, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कॉइन हैं, प्रॉपर दिख नहीं रहा अंधेरे की वजह से, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉइन ऐसे मंदिर में जो लोगों ने इस पानी के अंदर फेंके हुए हैं। तो ये है मंदिर जो काफ़ी वर्षों पुराना बना हुआ है। ये जहाँ के मंदिर में जो स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत हुई थी उनकी मूर्त वगैरह बनी हुई हैं, उसके बाद जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो यहाँ पे एक और देख सकते हैं, यह है श्री मूर्ति दौलत राम जो कि यहाँ के पुराने पुजारी जो भी थे। तो यहाँ अक्सर जब मंदिर में मेला लगता है, जब टाइम होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु आए हुए रहते हैं। यहाँ पे पूरा एरिया जो भरा रहता है, हर जगह पे लोग ही लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पे रुकने गाड़ी तो छोड़ो, खड़ने के लिए चलने के लिए भी स्थान, पैर रखने के लिए भी जगह तक नहीं मिलती, इतना ज़्यादा रश रहता है। वैसे मंदिर खाली का खाली है, ऐसे आप कभी भी आ जा सकते हैं। आप कुछ टाइम ऐसे रहते हैं जहाँ पे मंदिर में लोग आते रहते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी मूर्त बनी हुई है मंदिर में, तो आप देख सकते हैं मूर्त यहाँ।
यहाँ पे अलग देवी देवताओं की मूर्त बनी हुई है, तो हम ऐसे कुछ बता तो नहीं सकते किस किस की मूर्त है। हाँ कुछ में पता है कि जैसे राधा कृष्ण होगी, हनुमान की होगी, भोलेनाथ की होगी, ज्यादातर माता लक्ष्मी की होगी, ऐसे काफ़ी सारी मूर्त बनी हुई है। जैसे बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सा देवी है या कौन सा देवता है, हमें ऐसा तो पता नहीं है। हाँ लेकिन है, ये देवी देवताओं की मूर्त है। यहाँ पे भोलेनाथ जी का बड़ा सा शिवलिंग, काफी बड़ा है। तो ये जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट ऊना है, ऊना में पड़ते हैं। अगर कभी आना हो तो आप जब मर्जी आ सकते हैं मंदिर में। तो यहाँ में एक पास में बहती हुई नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भी लोगों ने काफ़ी सारे कॉइन वगैरह फेंक रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से छोटे छोटे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अक्सर ऐसी जगहों में कॉइन वगैरह पानी में डालते रहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, कुछ अपने मन्नत के हिसाब से डालते हैं, कुछ अदर चीज़ों की वजह से डालते रहते हैं। इसी के साथ फिलहाल हम चलते हैं वापसी की तरफ। मंदिर में जो इस वक्त जो इस मंदिर की देख रेख है, जिनके वाले हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, आगे की जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो हमने मंदिर में जाने के बाद यहाँ पे खाना तो हमने नहीं खाया, क्योंकि हमने खाना पहले ही खा रखा था। तो हमने मंदिर में चाय वगैरह पी, और चाय पीने के बाद कुछ देर बैठे वहाँ पे बातचीत की, और उसके बाद हम वापस चल दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।